दोस्तों, हम आज चर्चा की शुरुआत करते हैं कृषकों के संगठन से। इसकी क्या ज़रूरत है? कृषकों का संगठन एक सामूहिक स्व सहायता कार्यों के लिए उपयोगी संगठनात्मक तंत्र है, जिसका उद्देश्य है कृषक समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना। अर्थात कृषक जब संगठित होते हैं तो वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हैं और अपने पैदावार आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में वो सफल हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुत से कृषक संगठन हैं, आपने देखा होगा, कृषक हित समूह है, कृषक परिसंघ है, किसान क्लब है, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह है। इस तरह से बहुत सारे संगठनों का गठन हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसान के जो संगठन है उसकी आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और विभिन्न स्तरों पर परिसंघों का गठन और प्रबंधन कैसे किया जाता है या किसान हित समूहों का गठन हम कैसे करते हैं, ये हमारा आज का उद्देश्य है। अब आपने देखा होगा कि स्वयं सहायता समूह मुख्य रूप से ये महिलाओं का एक संगठन है, जिसमें छोटे स्तर पे ऋण का लेना देना और छोटे उद्यमों का संचालन करके महिलाएँ अपने आय को बढ़ा सकती हैं ग्रुप में रह के। और इस तरह के समूहों का यदि बाजार से जब जुड़ाव हो जाता है तो उनके जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उसका बाजार में विपणन ठीक होता है और उन्हें अच्छी इनकम मिल जाती है, उनको आय अच्छी हो जाती है। कृषक संगठन है ये, यहाँ पे किसानों द्वारा जब आपस में संगठित होकर एक समूह बनाया जाता है तो इसे कृषक संगठन कहते हैं। और इसमें भी समान हित से जुड़े हुए जो किसान हैं, जिनका हित एक जैसा है, इनकी सोच एक जैसी है, वो आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो किसान समूहों का मुख्य उद्देश्य है कि दबाव के रूप में काम करना। जो चीज़ किसानों को अकेले में नहीं मिल सकता वो दबाव के रूप में कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसे सरकारी अनुदान है या सरकार की जो दूसरी निधि है जिससे किसानों को फायदा होना है वो समूह में मिल सकता है, अकेले किसान को नहीं मिल सकता, इसलिए समूह की संरचना, समूह का गठन आवश्यक है। अब समूह का गठन करने के लिए मुख्य रूप से ये है कि जब किसान भाई आपस में इकट्ठे होते हैं और एक दो बैठक आयोजित करके आपसी बातचीत करते हैं तो वो गठन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद उनके जो समस्याएँ हैं उस पर चर्चाएँ की जाती है, जिसे हम चिंतन का विषय कहते हैं। फिर उन्हें अपने समूह को बनाने के लिए कुछ मानदंड तय करने होते हैं और अंततः जब समूह बन जाता है और समूह के पास कुछ निधि आ जाती है जो किसान भाई सदस्य के रूप में जमा करते हैं, उसे फिर ऋण में देना, ऋण की वापसी करना और किसानों के लिए जो इनपुट है या किसानों का जो उत्पाद है उसका बाजारीकरण करना, विपणन करना, ये सारी चीज़ें शुरू होती है तो हम कहते हैं कि हमारा समूह काम करने लगा है। अब समूह जो है, किसान हित समूह या FIG जिसे कहते हैं, मैंने आपसे बताया कि ये समूह दबाव माध्यम से कार्य करती है और किसानों के निधियों को प्राप्त करने के लिए जो सरकारी विभाग हैं उनसे उस निधियों के लिए पंचायत स्तर पर सरकार से संपर्क करने का काम करती है। अब है कि इस किसान समूह में क्या होना चाहिए, इसमें 15 से 20 सदस्यों का एक समूह होना चाहिए जो कृषक हों, वालिग हों, वयस्क हों और उनकी एक सोच जो है वो आपसी सहयोग की भावना के साथ काम करे, तो इस तरह के कृषक हित समूह की संभावना बनती है और उसका गठन होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि किसानों को सामूहिक क्रियाकलाप पर चर्चा करने के लिए आप बैठक करनी करने की आवश्यकता है। परिवार से एक ही सदस्य उसके समूह के मेंबर बने और अपने प्रतिनिधि को चुने, नेतृत्व हमेशा परिवर्तनशील हो, समूह के सदस्यों में योजना तैयार करने की क्षमता हो, जो किसान
गांव के कृषक हैं उनके उन्हें क्या इनपुट चाहिए उसको एक साथ इकट्ठा करें और फिर उन इनपुटों को सस्ते खरीद के किसानों को सस्ते उपलब्ध कराएं, उनके जो उत्पाद है उसका विपणन करने में उन्हें मदद करें, किसानों को ऋण उपलब्ध कराएं, उत्पाद का भंडारण प्रसंस्करण आदि में सहायता दे। इस तरह की सारी चीज़ें जो है किसान के संगठनों का काम है और इसमें जो संगठन अच्छी तरह काम करता है उस संगठन का फिर हम कई तरह से उसका श्रेणीकरण करते हैं, उसका कोटीकरण करते हैं। जैसे समूह की बैठक नियमित रूप से हो रही है या नहीं, उसमें कितने सदस्य उपस्थित होते हैं, किसानों ने जो ऋण दिया है किसानों को जो ऋण दिया गया उसकी वसूली सही हो रही है कि नहीं, किसानों से संबंधित ग्रामीण क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी है या नहीं, इस आधार पर हम कोटीकरण करते हैं। और यदि हमारी सभी चीज़ें सही है तो हम उसे क श्रेणी में रखते हैं, जैसे क ख ग घ है तो प्रथम श्रेणी उसे उस FIG को रखा जाता है। और FIG को चलाने के लिए हमें समूह प्रवर्तक की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक गांव में कई समूह होते हैं और उनको चलाने के लिए या उनको जो नेतृत्व प्रदान की जाए उनकी जो बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता को पूरी की जाए उसके लिए समूह प्रवर्तक की आवश्यकता होती है, जो एक सलाहकार के रूप में काम करता है, साथ ही साथ किसानों के लिए प्रशिक्षक के रूप में भी काम करता है। और उसका मुख्य काम है समूह और सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन के बीच जो विकास सेवाएं हैं उसके बीच कड़ी का काम करना, यानी संपर्क व्यक्ति के रूप में काम करता है। और एक समूह प्रवर्तक 15 से 20 समूहों को संगठित करने में मदद करता है। कृषकों सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कृषकों के साथ रहने के लिए इच्छुक होना चाहिए, कृषकों के प्रति उनकी सहायता करने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और किसानों को जितने अधिक हो सके उसे मदद करने की क्षमता होनी चाहिए। अब समूह के आधार पर यदि आप देखें तो कैसे संगठन या किसानों का समूह आगे बढ़ता है, एक छोटा सा उदाहरण है कि कर्नाटक जिले में कर्नाटक में गडक एक ज़िला है जहाँ बारिश बहुत कम होती है और आप सब जानते हैं कि जब वर्षा से आधारित खेती की जाती है तो उसमें अनिश्चितता की बड़ी स्थिति होती है, क्योंकि बाज़ार का उत्पाद बहुत कम होता है, बाज़ार में उसके भाव में बड़ा उतार चढ़ाव रहता है और ख़ास करके वहाँ की समस्या जंगली जानवर जैसे हिरण है उसकी भी है। तो ऐसी स्थिति में किसान खेती छोड़ के पलायन करने की सोच रहे थे और पलायन शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ पे 2006 में 6 गांव के लगभग 60-65 किसानों ने मिलके एक समूह बनाया और उन्होंने इसके बारे में सोचा कि हमें क्या करना चाहिए और धीरे धीरे उन्होंने अपने फसल के साथ औषधीय पौधा जिसे अश्वगंधा के नाम से जानते हैं उसकी खेती उन्होंने शुरू की। और अश्वगंधा की खेती उन्होंने इसलिए शुरू की कि ये इसे पानी की कम मात्रा चाहिए और जंगली जानवरों द्वारा नुकसान नहीं होता है। अब धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि उनका लाभ बढ़ना शुरू हो गया, नुकसान कम हुआ और चूंकि औषधि पौधा था तो इसकी कीमत भी अच्छी थी, तो धीरे धीरे वहाँ पे उन्होंने एक औषधि पौधा उत्पादक संघ के नाम से संगठन खोला और जिसे अब बहुत सारे किसान भाई ने उस चीज़ों को अपनाया है और कई तरह के औषधीय पौधों की खेती शुरुआत उन्होंने कर दी है। अब इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि किसानों का संगठन बन गया है, किसानों का संगठन ग्रामीण स्तर पर बना है, फिर ज़रूरत पड़ती है परिसंघ की, जो इन संगठनों का संगठन है, जो इन संगठनों को बड़े आधार पर मदद करता है और इन छोटे छोटे संगठनों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब परिसंघ का मुख्य कार्य है कि किसानों को या इन छोटे छोटे समूहों को इनपुट की अधिप्राप्ति में मदद करना, उनके किसानों के उत्पादों को बाज़ार में ले जाने और विपणन करने में सहायता करना और किसानों को
या इन समूहों को ऋण प्राप्त कराने की सुविधा प्रदान करना। अब इसमें जब परिसंघ की बात हम करते हैं तो कोई भी परिसंघ जो कई संगठनों का एक संगठन होता है, जिसके नीचे कई किसान के समूह काम करते हैं, उसकी क्या पहचान है और उसके लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि परिसंघ हमारा बना हुआ है तो उसका पंजीकरण आवश्यक है। अब पंजीकरण कई संगठनों को जो पंजीकरण करने का नियम है वो कई हैं, जैसे कंपनी अधिनियम है, व्यापार संघ अधिनियम है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है और सहकारिता अधिनियम है। तो यहाँ मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि परिसंघ का पंजीकरण सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत कराना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य सहकारिता द्वारा उपलब्ध सेवा का प्रयोग करके कि सदस्यों का सामाजिक और आर्थिक उन्नति करना है, और जो लाभ होता है, शुद्ध लाभ होता है, उसका बंटवारा सदस्यों के सेवाओं के अनुपात में किया जाता है। चूंकि परिसंघ वित्तीय और विपणन सेवा दोनों उपलब्ध कराता है, इसलिए पंजीकरण आवश्यक है और सहकारिता के रूप में इसका पंजीकरण होना चाहिए। अब कृषक समूहों के जो परिसंघ का गठन है उसमें उसके कई स्तर हैं। वो ग्राम स्तर पे हो सकता है, वो खंड स्तर पे हो सकता है, जिला स्तर पे हो सकता है या राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है। तो सबसे छोटा परिसंघ जो है वो ग्रामीण स्तर पे है, ग्राम स्तरीय परिसंघ कहते हैं, और इसका मुख्य कार्य जो है वो कृषक समूह और खंड स्तरीय जो परिसंघ है उसके बीच संपर्क का काम करना है। इसी तरह खंड स्तरीय परिसंघ है जो ग्रामीण स्तरीय परिसंघ और जिला स्तरीय परिसंघ के बीच संपर्क का काम करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी ये परिसंघ है, चाहे वो ग्रामीण स्तरीय हो, चाहे खंड स्तरीय है, चाहे वो जिला स्तरीय है या राज्य स्तरीय है, इन सब का मुख्य काम है कि छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक किसानों की क्या मांग है, उन इनपुटों को सस्ते दर पे सीधी कंपनी से बात करके खरीदना और किसानों के मांग के अनुसार उन्हें सस्ते दर पे प्रदान करना, ताकि किसानों को एक तो अच्छा माल मिले और सस्ती मिले, दूसरा जो किसान का उत्पाद है उसको बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कीमत मिले, बाजार में विपणन हो, यदि किसान को रखने की ज़रूरत है तो उसके भंडारण की व्यवस्था हो, उसके ग्रेडिंग पैकेजिंग की व्यवस्था की जाए, और इस तरह की चीज़ें परिसंघ द्वारा की जाती है। अब परिसंघ कई सिद्धांतों में काम करता है, जैसे किसान जो है वो FIG का निर्माण करते हैं और FIG परिसंघ बनाता है। इसी तरह परिसंघ अपने सदस्य FIG को उपलब्ध कराने वाली सेवाएं जो है वो ऐसी हो जिससे सभी सदस्य को लाभ मिले। परिसंघ का सदस्य FIG है और FIG के लिए ही परिसंघ बना है, इसलिए FIG अपने परिसंघों के लिए ही अस्तित्व में है। उसके बाद किसानों के क्षेत्र में जो इनपुट उपलब्धता या उत्पाद विपणन सेवा है वो ग्राम स्तर पे किया जाना चाहिए, दूरस्थ परिसंघों द्वारा नहीं करना चाहिए। पर किसी भी परिसंघ में यथासंभव FIG के ही सदस्य होने चाहिए, दूसरे सदस्य को नहीं लिया जाए, ताकि उनके जो सदस्य उनसे दूर होगा उनकी रुचि भी कम होगी और नज़दीक का सदस्य रुचि लेगा तो काम को आगे बढ़ाएगा। सक्रिय और जिम्मेदार FIG को ही परिसंघों की बैठक में निर्णय लेने का और मत देने का अधिकार होना चाहिए। परिसंघ में के कर्मचारी और मुख्य कार्यकारी भी शामिल होते हैं, उन्हें सदस्यों में चुने गए कार्य करने वाले कृषक होने चाहिए, और परिसंघ को वित्तीय अनुशासन के उच्च मानक स्थापित और अनुरक्षित करने चाहिए। परिसंघ अपने सदस्य FIG के खातों की निगरानी और पर्यवेक्षण करने का आशय रखता है, और परिसंघ की सफलता के लिए सदस्य संगठनों की सफलता आवश्यक है। तो इस तरह जो परिसंघ हमारा बनता है, उन परिसंघों को बनाने में कई तरह के प्रक्रियाएं हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, और जब परिसंघ बनता है तो
तो अंततः किसानों का ही फायदा होता है, चाहे वो समूह के द्वारा हो, चाहे वो परिसंघ द्वारा हो। और इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है जो अहमदनगर के किसानों ने अपने लिए किया। उन्होंने प्याज के उत्पादन में बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने अपना एक समूह बनाया, समूह से उनका परिसंघ बना, और परिसंघ बनने के कारण उनका सबसे बड़ी चीज़ है कि आज उनका जो प्याज है वो भंडारण क्षमता उनकी बढ़ी है, वो खुद ग्रेडिंग पैकेजिंग करते हैं और उसका बाजार विपणन जो परिसंघ बना है बोर्ड उनको विपणन करने में मदद कर रहा है। और साथ ही उन्हें प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की गई है, उन्हें अनुसंधान केंद्रों द्वारा के वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके समस्या और समाधान समस्या का समाधान किया जाता है और बीज और ऋण सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराई गई है। तो इस तरह परिसंघ जो है किसानों को, समूह को और किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इससे संबंधित आपके कुछ भी प्रश्न हो, आपकी कोई भी समस्या दिमाग में आ रही हो, तो आप मैनेज के वेबसाइट को देखें या मैनेज द्वारा उपलब्ध कराई गई आप पुस्तिका या सीडी को आप संपर्क करें और उससे अपनी समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद।